बाजितपुर गांव का मामला है, किसी टीचर ने उनके कमरे में तूड़ा रख दिया है, क्या मामला जी? जी, कल ही मेरे संज्ञान में आया है। पंचायत बाई इलेक्शन था वहाँ पे और मैं माजरी गांव में गया हुआ था, तभी मेरे पास फोन आया था और मैंने BDPO साहब से बात करी। तो और इसको अभी मैं थोड़ी सी देर में इस ट्रेनिंग से निपट के, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है मेरी, उसके बाद बाजितपुर ही जाऊँगा, उसको वहाँ बुलाते हैं, मैं देखता हूँ मौका क्या है वो, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी अगर इसने इस तरह का कोई वायलेशन किया है। सर, कार्रवाई की कही जाती है लेकिन की नहीं जाती है तो नहीं, इसकी तो सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही पावर्स हैं JPT, इसकी तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी DEE होता है, उसके खिलाफ तो जो भी सख्त से सख्त हो सकता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में उसको हम वो स्टेप्स हम लेंगे, और जो अगर उससे ऊपर की बात है तो हम डायरेक्टर साहब से बात करें। की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, अगर इसने इस तरह का कोई मतलब गलत किया है पक्का आएगी। इसमें लापरवाही नहीं है शिक्षा विभाग की? स्कूल में, सरकारी स्कूल में छुट्टियां हैं, अभी छुट्टियों में भी जब जैसे संज्ञान में आता है ना मामला, तभी तो बात हो। अब जैसे आप जैसे लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है, ग्रामीणों तो ने ये कहा है कि अब वो अप्रैल से वहां रखे हुए हैं, क्या ऐसा भी कुछ मामला? मेरे संज्ञान में ये कल ही आया है जी, क्योंकि इससे पहले हमारे ABRCs BRPs विजिट करते हैं, तो ऐसा कोई मामला था नहीं। और ये मेरे ख्याल में खुद ही है, टीचर है वेदपाल ना, तो पूरी स्थिति तो मैं बता पाऊंगा एक बार स्कूल जाने के बाद। से बातचीत हुई आपने, उन्होंने क्या आपने? मेरी तो उसकी बाई इलेक्शन के बारे में हुई थी, ये जो वीडियो आई ये तो बाद में आई, इसकी शाम को मेरे को मिली है। क्या ये कानून ठीक है सर? ये बिल्कुल गलत है कानून, क्या कैसे सकता है? ये शिक्षा का मंदिर है और इसमें इस तरह की बातें कैसे अलाउ हो सकती हैं? ठीक है, ये तो था कि उस गांव में दो स्कूल्स हैं, मैं एक बार जाके देखता हूँ उसको थोड़ी सी देर में फ्री होके, ठीक है, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद मैं सारी बात बता पाऊंगा।